हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपने अपने प्ले स्टोर पे बहुत से गेम्स या ऐप्स देखे होंगे जिसके लिए आपको इंस्टॉल करने के लिए उसके पैसे चुकाने पड़ते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो पेड गेम्स या पेड ऐप्स आपके कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जानने के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र को खोल लीजिए। ब्राउज़र खोलने के बाद आपको सर्च करना है app.vn। app.vn के बाद जो सेकेंड साइट आएगी जो app.vn.me, उस पर आपको क्लिक करना है। साइट जब खुल जाए सो आपको नीचे जाना है और जो डाउनलोड app.vn.apk लिखा है वहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर एक पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आपको ये FVN 645, ये जो भी लिखा है 12.83 MB का है, जो इसको डाउनलोड कर लेना। और iOS वाले जो यूज़र्स हैं उनको ये नीचे वाला 34.5 MB का है वो डाउनलोड कर लेना है। तो हम एंड्रॉयड वाले हैं तो हम ये 12.83 MB वाला डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड करने का आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमारी ऐप डाउनलोड हो गई थी तो हमने उसको इंस्टॉल कर लिया है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपको उसको खोल लेना है। खोलने के बाद आप जैसे कि देख सकते हैं इसकी लैंग्वेज कुछ अजीब सी है, ये दूसरे कंट्री की लैंग्वेज है। अगर आप इस लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये सेटिंग का आइकन देख सकते हैं, इस पर जाना है। सेटिंग पे आइकन पे जाने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको, और ये जो इंग्लिश है इंग्लिश को चूज़ कर लेना है। फिर आप जैसे कि देख सकते हैं पूरा एप्लीकेशन इंग्लिश में हो गई है। आपको फिर से यहाँ पे जाना है और ये आप जहाँ पे ये लॉगिन देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। आप चाहें तो ट्विटर से भी लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं, या अपने जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रजिस्टर कर लेता हूँ। रजिस्टर करने के बाद आपको यूज़र नेम डालना है अपना, कोई सा भी पासवर्ड डाल देना है। ईमेल डाल देना है यहाँ पे। और रजिस्टर कर देना है। ये बता रहा है कि यूज़र नेम किसी और ने रजिस्टर कर लिया, यूज़र नेम जो हमने डाली है, तो हम यूज़र नेम अपनी बदल देते हैं। आप देख सकते हैं रजिस्टर सक्सेसफुली बता रहा है, यानी हम रजिस्टर कर चुके हैं इसमें। अब हमको यहाँ से लॉगिन कर देना है। हमने जो यूज़र नेम डाली थी वो लिख देना है यहाँ पे, और जो हमने पासवर्ड डाला था वो लिख देना है। और लॉगिन कर देना है। आप देख सकते हैं हम लॉगिन कर लिए हैं इस एप्लीकेशन में। फिर उसके बाद आपको अपना प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर जैसे कि हमने खोल लिया अपना, और आपको कोई सा भी गेम जो आप पेड गेम हो, जो ऐप हो, जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो उसका नाम लिख देना है यहाँ पे और सर्च कर देना है। तो हम जैसे कि एग्जांपल के लिए माइनक्राफ्ट सर्च कर लेते हैं। आप देख सकते हैं माइनक्राफ्ट का रेट ये 479.56 इंडियन रुपीज़ का है। तो आपको यहाँ पर नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप जो ये शेयर देख रहे हैं शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद ये ऐप VN जो हमने डाउनलोड किया था इस पर क्लिक कर देना है आपको। फिर उसके बाद ये माइनक्राफ्ट app.vn ऐप में खुल जाएगा और ये डाउनलोडिंग का आ चुका है, तो डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। माइनक्राफ्ट अब डाउनलोड होने लगा है फ्री में। माइनक्राफ्ट फ्री में अब डाउनलोड होने लगा है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।